मुरादाबाद। शिवसेना द्वारा लगभग 15 वर्ष से छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा की स्थापना को लेकर छत्रपति शिवाजी चौक पर विभिन्न आंदोलन चलाए गए। नगर निगम द्वारा कल दिनांक 13 अगस्त 2024 को प्रातः 9 बजे माननीय महापौर महोदय नगर आयुक्त द्वारा छत्रपति शिवाजी की भव्य प्रतिमा को लगाने की अधिकृत घोषणा करने की जानकारी माननीय जिला प्रमुख मुद्दे को सूचना प्राप्त कराई गई। शिवसेना जिला प्रमुख द्वारा कल इस अवसर पर भगवा दिवस मनाने व नगर निगम महोदय को धन्यवाद का कार्यक्रम करने की योजना बनाई गई। अधिक जानकारी के लिए देखिए पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। मनोज सैनी के साथ सुनील कपूर की रिपोर्ट, मुरादाबाद। सर प्लीज आप आइए ना सर, थोड़ा सा गनर वगैरह को बोलो कि जो है वो मेयर सर का मेयर सर यहाँ पर बुद्ध बाज़ार एक सबसे पुराना बाज़ार है और यहाँ पर इसका सौंदर्यीकरण किया गया। सौंदर्यीकरण का जो मूल उद्देश्य था कि मार्केट इस तरीके से बनाया गया जहाँ पे शहर का एक तरीके से मेन एंट्री पॉइंट है, रेलवे स्टेशन सामने है, इतना बेहतर बने कि लोग यहाँ पर आवें और जो यहाँ कनेक्ट करता है शहर के सबसे पुराने एरिया जहाँ पे लॉस का काम होता है उन सबको देखने के लिए काफ़ी कुछ काम कंप्लीट किया जा चुका है। और इसके एंट्री पॉइंट पर एक प्लान था नगर आयुक्त सेंटर मुरादाबाद नगर निगम ने प्लान किया था कि 100 फीट का यहाँ पर तिरंगा 100 फीट ऊँचा तिरंगा झंडा यहाँ पर लहराया जाए, हमारे देश का राष्ट्रध्वज। आज वो किया गया है 30x20 साइज का है ये तिरंगा झंडा और उसके साथ ही यहाँ शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का भी लोगों की आकांक्षा थी उसके अंदर हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति स्टार्टिंग की है। ये सारा बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि ट्रैफिक का कहीं अवरोध न हो और जो मूल उद्देश्य है वो कहीं पर किसी तरीके से उसको उसका क्षरण ना हो और साथ ही हम लोगों के अंदर वो राष्ट्र प्रेम की भावना भी जगाएँ और यहाँ पर लोग आकर मार्केट का आनंद भी लें। इन सारे उद्देश्यों के साथ एक शुरुआत की गई है और अभी काफ़ी सारा काम होना है, वो आगे हो रहा है। इसी बीच में आप सभी को पता है हर घर तिरंगा अभियान 13-14-15 लगातार चल रहा है, आज उसकी शुरुआत भी की गई है और पूरे मंडल में मुरादाबाद सिटी में तो ही रहा है, पूरे मंडल में हर जगह पर ये अभियान चल रहा है। उसी के क्रम में यहाँ सिटी में भी इस अभियान की शुरुआत की गई है और सौभाग्य है हमारा कि जिस दिन हम हर घर तिरंगा अभियान शुरू कर रहे हैं उसी दिन हमने ये 100 फीट ऊँचा तिरंगा झंडा भी लहराया है। ये मुरादाबाद के लिए एक नई शुरुआत है और मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे और बेहतर मुरादाबाद के लिए चीज़ें होती है। सर शिवाजी की मूर्ति की बात हो रही है, कब तक सर स्टेब्लिश हो जाएगी, कब तक लग जाएगी सर? हम कोशिश करेंगे कि शीघ्र इसको कर लें, अभी तो शुरुआत हुई है। मूर्ति करीब थोड़ी ऊँची रहेगी, मैंने जैसा कहा कि हम पूरा हमारा प्रयास है कि सारी चीज़ों को व्यवस्थित करते हुए विकसित करते हुए भी कहीं पे ट्रैफिक का कंजेशन ना हो, मार्केट को बनाने का सौंदर्यीकरण का मूल उद्देश्य फेल ना हो। अभी आप देख ही रहे हैं कि मार्केट अभी भी कई सारी चीज़ों में अभी चल ही रहा है काम, वो कंप्लीट हो जाएगा शिवराते शीघ्र और मार्केट का काम कंप्लीट होते होते मूर्ति का भी काम हम कंप्लीट। ठीक है सर, थैंक यू। बड़ा सुंदर दिन है, हम इस दिन के लिए बहुत समय से संघर्ष थे, इतने शिव सैनिक जेल गए, शिव सैनिकों ने यहाँ पर धरने करे, प्रदर्शन करे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के लिए,
आज उससे भी सुंदर हुआ कि भारत का एक झंडा भी साथ साथ 110 फुट लहराया जाएगा और माननीय कमिश्नर महोदय ने और माननीय मेयर महोदय ने और समस्त अधिकारियों ने यहाँ पर गोला फोड़ करके एक विशाल प्रतिमा की जो बात कही है और छत्रपति देवी महाराज की मूर्ति लगेगी, पीछे आगे भगवा लहराएगा, पीछे तिरंगा लहराएगा, उसके लिए शिव सैनिकों को मैं बधाई देता हूँ, अपने मरारवाद के हर नागरिक को, मेयर महोदय को और अपने समस्त अधिकारियों को। और आज शिव सैनिक पूरे महानगर में मिठाइयाँ बांटेंगे और शाम को यहाँ आतिशबाजी करेंगे। जय भवानी, जय शिवाजी। जो आप कह रहे थे तो अब बाबा से आप कुछ लगा कि यहाँ कुछ हो सकता बाबा हज नए योगी बाबा के लिए? हम लोग तो मानते हैं, हमारी तो हिंदूवादी सरकार का हमेशा आस्था है और हम तो ये बात कहते हैं कि हिंदूवादी सरकार है, हर जगह भगवा लहराए, हर जगह छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मी। और अगला कदम शिवसेना होगा, मुरादाबाद का नाम बदल दिया जाए, उसके लिए शिवसेना अभियान चलाएगी। करते कि ये जो हमारे ऊपर आज मुरादाबाद नाम जो लग रहा मुगलों का नाम है उसको हटाने का विधान शिवसेना करेगी, इसका अभियान भी शुरू करेगी। आप जो आज तक प्रयास कर रहे थे छत्रपति शिवाजी की मूर्ति के लिए, उसमें आपको कैसा लग रहा है आपको आज? आज हमें इतना आनंद लग रहा है कि माननीय बाला साहब ठाकरे का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हुआ, जो हमने संघर्ष करा आज पूरे मुरादाबाद के लोगों ने स्वीकार करा और हर हिंदू ने हमारे साथ लड़ाई लड़ी है। ये हमारी लड़ाई नहीं है, हर हिंदू की लड़ाई है। जब यहाँ भगवा करेगा तो हर हिंदू को लगेगा उसकी शान बह रही है। जय भवानी, जय शिवाजी। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।